बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा रेलेवेंट टॉपिक है वो है स्टेट्स से रेलेवेंट करता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल्स, या वो इस तरह भी पूछ लेगा कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट, कि स्टेट क्या है और उसको तशकील देने के लिए उसके अवामिल जो हैं, जो उसके अनासर हैं, वो क्या हैं। तो स्टेट कि स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट और डिफाइन स्टेट, एक्सप्लेन स्टेट, व्हाट आर नेसेसरी एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स विच आर मेकिंग फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो इसको पहले जैसे बुनियादी तौर पर मैंने स्टार्ट में आपको लेक्चर डिलीवर किए थे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, तो उसमें हमने स्टेट के बारे में भी पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल के कंसेप्ट से एक फैमिलीज़ का कंसेप्ट होता है, जब मुख्तलिफ फैमिलीज़ मिलती हैं तो फिर एक सोसाइटी तश्कील देती है। जब सोसाइटीज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जब मिलती हैं तो उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है वो एक स्टेट के तसव्वुर की रिक्वायरमेंट आती है उनके ज़हनों में। तो स्टेट से बेसिकली हम लेंगे कि रियासत, जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ मिलकर एक माशरा तश्कील देती हैं और एक माशरे में रहते हुए जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट के हसूल के लिए जिस स्ट्रक्चर को तरतीब देती हैं वो स्टेट का नाम, एक रियासत का तसव्वुर उससे अख़ज़ किया जाता है। तो उसमें जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी गई हैं, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्कॉलर्स फिलॉसफर्स उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है स्टेट को, तो उसमें जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ उन्होंने पेश की, मुख्तलिफ नज़रियात उन्होंने पेश किए, उन नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने स्टेट को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टो, अरिस्टोटल जो था वो फादर ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल साइंस के नाम से वो जाना जाता था, तो उन्होंने कहा कि स्टेट एज एन एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज एंड विलेजेस organized for the purpose of providing facilities for the promotion of a happy and prosperous life। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बता दिया कि एक फ़र्द की तश्कील से जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ बनी, उन फैमिलीज़ ने अपनी ज़रूरियात को, अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए जो अपने ज़ेहन में एक तसव्वुर अख़ज़ किया वो स्टेट का तसव्वुर था। अब वो स्टेट किस तरह की स्टेट होनी चाहिए, उस स्टेट का क्या पर्पज़ होना चाहिए, कि उसमें सबसे ज़्यादा था कि वो जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी पर्टिकुलर फैसिलिटीज़, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट किस तरह किया करें। उसमें मैं मिसाल दूँगा कि ये हम क्लासरूम में हम देख लेते हैं कि ये मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ अफराद पे मुश्तमिल है, तो आपकी ज़रूरत मुंसलिक है हसाम से,
मेरी ज़रूरत मुंसलिक है आपसे, तो मैं जब उसका इजहार आपसे करूँगा तो आप भी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ कंसीडरेशन, कुछ लेन देन के मामलात को मद्देनज़र रखेंगे। उस कंसीडरेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे फैसिलिटेट करेंगे। अब उस कंसीडरेशन और उस फैसिलिटेशन को जो है, उस तसव्वुर को मुजतमा करने के लिए कि हम एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करें, तो उसमें क्या होगा? उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो फैसिलिटेट करती है वो एक स्टेट का तसव्वुर है। तो इसी तरह जॉन बर्गेस की है कि स्टेट इज़ ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइफ मैनकाइंड व्यूज एंड एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट, कि ये एक मुनज़्ज़म यूनिट की तश्कील का तसव्वुर पेश करती है। मैनकाइंड के इंसानी ज़रूरियात, इंसानी मुआशरा जो है उसकी तश्कील में एक अहम करदार अदा करती है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू बलंचली, ये भी एक स्कॉलर था जो इसका पॉलिटिकल साइंस का फिलॉसफर था, उसने इसको डिफ़ाइन किया कि स्टेट एज द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, कि स्टेट से मुराद हम लेंगे कि सियासी शऊर रखने वाले जो लोग हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड तौर पर जो एक इलाके में रहते हुए अपनी ज़रूरियात, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को जो पूरा करते हैं, तो उनको किस तरह पूरा किया जाएगा, उसके लिए वो एक ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी के तसव्वुर को अपने ज़हन में रखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी का तसव्वुर किस तरह वजूद में आएगा कि वो एक स्टेट को मद्देनज़र, एक रियासत को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन, स्टेट इज़ ए पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी, ये भी उसी जो पिछली डेफिनेशन है उससे ममासलत रखती है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, स्टेट एज ए कम्युनिटी ऑफ पर्संस मोर और लेस मेमोरियस परमानेंटली ऑक्युपाइंग ए डिफाइंड पोर्शन ऑफ टेरिटरी इंडिपेंडेंट और नेटरली सो ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस। इसमें वो बार बार वही पिछली बातें ही दोहराता है कि एक माशरे में रहते हुए जो कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ पर मुश्तमल होता है, उन फैमिलीज़ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उन बेसिक नेसेसिटीज़ का तल्लक मैनकाइंड, इंसानियत के जो एक दूसरे से जुड़े हुए नाते हैं, जो रिश्ते हैं उनसे होता है, तो वो लोग जो वहाँ पर एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं वो एक डेफिनेट टेरिटरी का हिस्सा होते हैं, एक मखसूस इलाका होता है उनके पास। उसके बाद उनकी ज़रूरियात होती हैं, उसके बाद वो एक कंसीडरेशन के असूल को मद्देनज़र रखते हुए अपने उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अब वो फैसिलिटेट करने के लिए उनके माबैन, उनके दरमियान एक कंसीडरेशन का पहलू जो है वो जन्म लेता है कि मैं अगर कोई चीज़ रिक्वायर करूँगा तो दूसरा जो बंदा देने वाला होगा किसी सोसाइटी में, वो ये सोचेगा कि मैं ये जो चीज़ मुझसे डिमांड कर रहा है इसके बदले ये मुझे क्या दे रहा है।
तो इसमें एक शऊर और एक आगही जो है वो होगी कि एक स्टेट में रहते हुए हम जो है इसमें करेंगे। तो इसमें अब दो चीज़ तीन चीज़ें जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उसमें एक तो आ जाता है कि एक डिफरेंट सोसाइटीज़ का होना लाजमी है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में पापुलेशन का होना लाजमी है, आबादी जो होगी। आबादी जहाँ पर रह रही होगी तो वहाँ पर एक मखसूस टेरिटरी का होना ज़रूरी है, वो एक इलाके के अंदर रह रहे होंगे। जब किसी इलाके के अंदर रह रहे होंगे तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशनल इदारे की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसके ताबे रहते हुए वो एक दूसरे के मामलात को वो पूरा करेंगे। तो उसमें वो चीज़ पूरा करती है एक स्टेट का तसव्वुर। तो अब इसमें जो एसेंशियल्स एलिमेंट हैं उसमें मैं जो है आपको सबसे पहले आ जाता है उसमें नंबर वन पॉपुलेशन। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी सोसाइटी के वजूद में आने के लिए आबादी का होना ज़रूरी है, कोई भी सोसाइटी जो है वो एक आबादी पर मुश्तमल होगी, वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं उनकी अपनी एक मुसलमा अहमियत है, वो लोग वहाँ पर रहते हुए अपने रहन सहन के मुताबिक अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जो है अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो अपने अकायद और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत को तशकील दे रहे होंगे वहाँ पर। तो उसके लिए सबसे अहम एलिमेंट जो है एसेंशियल जो है एक स्टेट की रिक्वायरमेंट के लिए वो है पापुलेशन का होना। सेकंड उसमें है टेरिटरी, टेरिटरी से मुराद हम लेंगे कि एक इलाके का होना ज़रूरी है। किसी भी स्टेट के लिए एक टेरिटरी जो है उसका वजूद नहायत ज़रूरी है, क्योंकि टेरिटरी में जो लोग जो पॉपुलेशन रह रही होगी वो उन लोगों का इलाका तसव्वुर होगा। और इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक टेरिटरी का होना नहायत ज़रूरी है कि उस रियासत का अपना एक वजूद होना चाहिए। उस रियासत का वजूद किस तरह होगा कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर सामने आया, पाकिस्तान में जो इसकी जुग्राफियाई लिहाज से जो इसका इलाका है जो इसकी टेरिटरी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मुसलमा हकीकत है कि पाकिस्तान का इतना रकबा है जो चार सूबों पर मुश्तमल है, इसकी अपनी ज़मीनी लिमिट्स हैं, इसकी फ़ज़ाई लिमिट्स हैं, इसकी समंदरी हदूद हैं। तो ये टेरिटरी जो है
ये आपको एक रियासत के कंसेप्ट को समझने के लिए एक इंतहाई एलिमेंट की हैसियत ये रखता है। थर्ड है इसमें सॉवरेनिटी, ठीक है। सॉवरेनिटी से हम मुराद लेंगे कि इक्तदार आला, मुक्तदर होना, खुद मुख्तारी को भी हम इस मीनिंग्स में लेंगे, लेकिन ये हाकमियत के तसव्वुर में लेंगे आप इसको, कि एक स्टेट में एक हाकमियत का तसव्वुर भी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेट के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट नंबर वन पापुलेशन है, कि वो जिस पापुलेशन पर मुश्तमल, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पर मुश्तमल जो है वो एक स्टेट के तसव्वुर को जन्म देता है। अब वो पापुलेशन के लिए एक टेरिटरी का भी होना ज़रूरी है कि उस टेरिटरी में वो पापुलेशन वहाँ पर रहाइश पज़ीर हो और वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने एक रहन सहन के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। अब इसमें तीसरा जो पहलू है वो सॉवरेनिटी का है कि एक रियासत का सॉवरन होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अब सॉवरेनिटी से क्या मुराद लेंगे हम? इससे मुराद लेंगे कि हाकमियत, हाकमियत आला, मुक्तदर आला, एक पापुलेशन किसी को रिकग्नाइज करे, किसी ऐसी ताकत को रिकग्नाइज करे कि ये वाकई कोई हाकमियत रखने वाली अथॉरिटी है। इसी तरह टेरिटरी, जो इलाका है उसके ऊपर भी कोई हाकमियत का तसव्वुर हो कि इस इलाके के ऊपर भी कोई जो है वो हाकमियत करने वाली कोई मुक्तदर आला कोई चीज़ है, तो इससे मुराद हम लेंगे कि हुक्मरान, एक सोसाइटी के लोग जिसको रिकग्नाइज करते हैं बतौर हुक्मरान, जिसको रिकग्नाइज करते हैं उस ऑल ओवर द वर्ल्ड के, ये उस टेरिटरी की हाकमियत के हवाले से इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। अब इसकी मिसाल हम ये लेंगे कि पुराने वक्तों में जब एंशियंट दौर था तो उसमें हम बरतानिया की मिसाल मैं आपको दूंगा कि वहाँ पर सॉवरेनिटी का तसव्वुर जो था ना वो बादशाहत को पसंद करते थे। किंग जो था, आज भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में किंग का जो है वो वजूद है, तो वो कहते थे कि जी जो बादशाह है ना वही सॉवरन है। सॉवरेनिटी का हामिल जो है वो एक किंग है, तो बादशाह की हाकमियत को वहाँ पर रहने वाले जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अफराद थे वो भी तस्लीम करते थे, और उस टेरिटरी पर जो सॉवरेनिटी का तसव्वुर था वो भी किंग के हवाले से ही किया जाता था। तो उनमें एक बेसिक चीज़ ये भी थी कि बादशाह के मुंह से निकले हुए जो अल्फाज थे उनको इंटरनेशनली या उस इलाके के हवाले से वो एक कानून की हैसियत हासिल थी। बादशाह जो कह देता था वही उनके लिए हर्फ आखर होता था। इस तरह वो एक सॉवरन अथॉरिटी के तौर पर वो तस्लीम किया जाता था। तो हमने तीन एलिमेंट पढ़े हैं कि पॉपुलेशन, टेरिटरी और सॉवरेनिटी। अब इसमें नेक्स्ट जो है, जी, गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट और ये सॉवरेनिटी एक नहीं होगी? ये भी सरबराह है और वो गवर्नमेंट। पहले आपने गवर्नमेंट मुझे बताएं गवर्नमेंट क्या है, अभी मैंने बताया ही नहीं गवर्नमेंट क्या है, फिर आप कैसे कहते हैं कि ये एक हो गई है? नहीं सर, वो आपने सरबराह कहा है ना किसी स्टेट का सॉवरेनिटी। अभी आपको बताते हैं कि इसमें गवर्नमेंट और स्टेट में क्या फ़र्क है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें देखें कि जो चौथा एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी स्टेट के तसव्वुर को या किसी भी स्टेट के तश्कील के लिए इंतहाई अहमियत का हामल एक गवर्नमेंट का तसव्वुर है। स्टेट को चलाने के लिए पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। पॉपुलेशन जो है वो एक टेरिटरी के अंदर उसको रिकग्नाइज़ किया जाना ज़रूरी है कि ये इस टेरिटरी में रह रही है। सॉवरेनिटी का जो है वो तसव्वुर वो होना चाहिए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सॉवरेनिटी का तसव्वुर है, आप जब इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में करारदाद मकासद आएगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, 1940, ठीक है, उसको आगे लेकर चलते हुए जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील हुआ 1973 का। 1973 में जो सॉवरेनिटी का तसव्वुर है उसमें, क्योंकि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत करार दिया गया, तो उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया कि जो सॉवरन पावर है, जो सॉवरेनिटी का तसव्वुर है, जो इक्तदारे आला की ताकत है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की ज़ात है, एक इस्लामी रियासत के होने के हवाले से। ये मैं सिर्फ़ आपको एक फ़र्क क्लियर कर रहा हूँ कि वेस्टर्न गवर्नमेंट में क्या तसव्वुर है और हमारे यहाँ पर क्या तसव्वुर है इस्लामिक गवर्नमेंट में। तो हमारे यहाँ पर इक्तदारे आला की ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान के अवाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए जो इख्तियारात हैं उनको बतौर अमानत इस्तेमाल करते हुए अपनी रियासत के अमूर को चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गई है कि पॉपुलेशन टेरिटरी से एक सावरन, इन दोनों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक सावरन पावर का होना ज़रूरी है। सावरन पावर आ गई है कि जदीद पॉलिटिकल साइंस के असूलों के मुताबिक सावरन पावर जो है वो अवाम के पास है, आपके पास है, मेरे पास है, जो हमने इसको आगे लेके चलना है स्टेट के तसव्वुर को। अब यहाँ पॉपुलेशन टेरिटरी और सावरनिटी का कंसेप्ट आपके जहनों में आ गया। अब एक स्टेट को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या होगी, आपके सवाल का आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहे हैं कि यहाँ तक स्टेट जो है वो तश्कील हो रही है। अब उस स्टेट को अमली तौर पर तश्कील देने के लिए एक गवर्नमेंट के तसव्वुर को ज़हन में लाना होगा। गवर्नमेंट जो होगी वो तमाम किस्म के इंतज़ामी अमूर जो हैं, उस स्टेट के रेलिवेंट अमूर जो हैं, उनको सर अंजाम देगी। गवर्नमेंट ने क्या करना है कि ये जो पॉपुलेशन है इन्होंने जो कंसीडरेशन आपस में करनी है वो एक टेरिटरी में रहते हुए करनी है। अपनी जो लाइफ गुजारनी है वो एक टेरिटरी में रहते हुए गुजारनी है। अपने जो कस्टम्स रवायात हैं उनको आगे बढ़ाना है, एक टेरिटरी में रहते हुए बढ़ाना है। इसी तरह जब इन दोनों चीज़ों को वो आगे लेके जाएंगे तो वो किसी ना किसी चीज़ को तो सॉवरन मानेंगे, उनमें कोई ना कोई चीज़ तो मुकद्दम होगी जो उनके उन तसव्वुरात को आगे बढ़ाएगी। अब इन तीनों चीज़ों को पाया तकमील पहुँचाने के लिए, एक स्टेट के तसव्वुर को पाया तकमील पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट का तसव्वुर है। गवर्नमेंट का तसव्वुर क्या है, अब जदीद पॉलिटिकल साइंस के असूलों के मुताबिक और एंशिएंट जो पॉलिटिकल असूल ज़वाबत थे उनमें भी ये पाया जाता था कि एक गवर्नमेंट किस तरह होगी, गवर्नमेंट का मकसद क्या होगा। गवर्नमेंट ने क्या करना है कि अपनी स्टेट में रहने वाले जो अफराद हैं उनके मफादात का तहफ़ करना है, जो उनके मफादात हैं उनको उन्होंने मुकदम रखना है। गवर्नमेंट ने क्या करना है कि जो अपने स्टेट के अफराद हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने काम करने हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट ने क्या करना है कि एक माशरा में रहने वाले जो अफराद हैं और एक टेरिटरी में रहने वाले जो सोसाइटी के लोग हैं, उनमें अमन व अमान कायम करने के लिए उन्होंने जो एक सॉवरेनिटी का तसव्वुर दिया है, उसके इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए गवर्नमेंट का तसव्वुर इंतहाई ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट किस तरह की होगी आज के दौर में आप देख लें। कदीम दौर में तो बादशाहत भी थी, ठीक है, और मुख्तलिफ़ हुकूमतें थीं, ठीक है, कोई क्या लेंगे मज़हबी तौर पर हुकूमत करता था और कोई बादशाहत के तौर पर हुकूमत करता था, ठीक है, और खिलाफत का तसव्वुर भी था इस्लाम में, ठीक है। अब जदीद दौर में गवर्नमेंट का तसव्वुर आ गया है कि डेमोक्रेसी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से। अब गवर्नमेंट जब तश्कील आएगी तो गवर्नमेंट की तश्कील पापुलेशन के हवाले से वहाँ के अवाम करेंगे। अवाम में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो है, मैंने आपको स्टार्ट में आपको जो लेक्चर्स डिलीवर किए थे उनमें ये मकसद था कि अवाम में एक सियासी शऊर उजागर होगा। उन्होंने देखना कि हमारे लिए बेहतर कौन है, उस बेहतरी के पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो उस पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना है, कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से पार्टिसिपेट करना है, उन पार्टिसिपेशन को सबको मद्देनज़र रखते हुए वो एक गवर्नमेंट के तसव्वुर में अपने आप को लेके आएंगे। अब गवर्नमेंट किस तरह की होगी, गवर्नमेंट आप मुख्तलिफ़ ममालिक में देखें, पूरी दुनिया पे नज़र दौड़ाएँ, आजकल मीडिया इतना वसी हो गया है कि आपकी एक्सेस में है, आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जी फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, फ़लाँ मुल्क का सदर क्या कर रहा है, फ़लाँ